जैसे शादी नजदीक आने वाली है तो शादी के ये छोटे मोटे काम है जो निपटाने बाकी है, तो उसी करके आज हम क्या बात दादी, क्या बात ये ठीक है, ये तो बढ़िया स्टाइल निकाला, गोली तैयार रखी बिच्छू। क्या दादी का है? दादी का है, रिवाइव हो रहा है वापस शिमला, जितनी त्रासदी हुई थी ना मॉनसून वाले टाइम में। भाई साहब ये देखना, खतरनाक। हम आ चुके एक इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन में कि क्या ही बताऊं भाई, लोगों को पता भी है मैं किसको बोल रहा हूँ। हमने दादी के लिए कुछ ले जाना था, वो मुझे लग नहीं रहा कि आज पॉसिबल हो पाएगा। बढ़िया धूप लगने वाली थी बट इस बादल ने सारी की सारी धूप रोक दी है। दादी ने सुबह सुबह अपने कपड़े वगैरह धोके नहा धोके फ्रेश हो चुके हैं दादी, मुझे लगा अंदर हो गए बट दादी तब तक गायब थे। बाकी गाइस फाइनली उठ चुके हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग इन शिमला। चलते अभी नीचे की तरफ, भाई नीचे चला गया, वो भी बस अब तैयार होने गए, मैं भी बस जाता हूँ नीचे तैयार होते, क्योंकि आज का हमारा प्लान है कहीं जाने का, मैं भाई और अक्षय भाई का। यही है अब जैसे शादी नज़दीक आने वाली है तो शादी के ये छोटे मोटे काम है जो निपटाने बाकी है, तो उसी करके आज हम जाने वाले, तो बने रहना एंड तक। फिलहाल चलते नीचे की तरफ क्योंकि अब मुझे भूख भी लग रही है, सच बताऊँ। फ्रेशन अप होते हैं, खाते पीते और निकलते हैं भाई। इसी के साथ आपका इस ब्लॉग में भी स्वागत करता है। तो हेलो गाइज, व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग, होपफुली आप सब ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ। सो वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं। इसलिए क्योंकि 100 रुपए का मिला है ये, तो मैं तो भी पानी क्या करे दादी, करना पड़ता है ख्याल तभी इस करके। अभी हमने तो चंडीगढ़ में भी खराब था, वहां भी बदला, अभी लाए था ना, वरना कल उठाने के लिए। ऐसा है ना, हाँ जी, ज्यादा नाजुक नहीं बनाना शरीर को। अच्छा, शरीर शरीर में कुछ ना कुछ ऐसा ना, ऐसा नहीं है, इतना नहीं होता ना कर सकते। अरे दादी, शिमला में लोगों को टाइफाइड और जॉन्डिस हो रहा था, तो आपको तो आजकल वैसा ही है बेटा, है कुछ नहीं, डेली होता है, इतने आदमी रहते हैं ना, कई रंग के है, कई इसके है, तो अपने शरीर को जबरदस्ती क्यों लगानी, बताओ आप। ये पता है तुम्हारे को कि ये बिल्कुल निर्मल है? निर्मल नहीं है, कुछ नहीं है बेटा, पैसा है, पैसा पैसा लेना है, पानी का पैसा ले रहे हैं, सब सारी चीजों के पैसे लेने के लिए एक्टिंग कर रहे हैं लोग। अगर तो फ्री में देते दादी तो कुछ ही था, तो फ्री में नहीं देते बेटा, ऐसा है ना, फ्री में तो पहाड़ों में मिलेगा दादी, अपने हाथ से सब कुछ है, भगवान दे रहा है, पानी है, गंगा जल है, गंगा जल होके पियो। तो दादी गंगा जल हरिद्वार से जाना पड़ेगा, हरिद्वार नहीं जाना पड़ेगा, मैं डेली मेरे पास गंगा जल है। अच्छा, एक एक बूंद, जो इसमें एक बूंद डलेगी तो पूरा गंगा जल बन गया। गंगा जल पानी पीवे नंदलाल, क्या बात दादी, क्या बात। वे मीरा रानी क्या जाने राम मेरा, जल पानी पी के दीवानी बन गई भगवान, क्या बात है माता की, है ना। ये बेटा कुछ नहीं है, दुनियादारी है, बड़ी प्यारी है, अपना ध्यान भगवान के भरोसे कुछ छोड़ दो। सही बात, दादी की सुन लेनी पड़ेगी, सुननी जरूरी भी है भाई, और क्या, और जल्दी सुन भी लेता है भाई। ये ठीक है, ये तो बढ़िया स्टाइल निकाला, ऐसे चल रहा है, सोच रहा हूँ कैसी, ठीक नहीं है क्या, गोली तैयार रखी मेरे हिसाब से, तो चल बड़ा गोली करनी है, ऐसे चल लो, बढ़िया लग रहा है, ठीक लग रही है ना भाई, ये तो 50 तोला है, तो ठीक है, उज्जवल ने डाले कपड़े एकदम बेरहम, हवादार हवादार कपड़े यार, कपड़े हुए नहीं, क्यों, अच्छा तो लग रहा है यार, क्यों, और क्या, सेंस नहीं आता मेरे को पता नहीं, सीरियसली भाई, तो क्या इतनी अच्छी लुक, इसको चलने तो दे ना, गोली तैयार रखे साथ, शाम को जैसे आए वैसे खाने के बाद दे रहे हैं, अच्छा भी मां मजाक उड़ा दिया, बोले ये क्या पहन के जा रहा है तू, अक्षय भाई को बुलाता हूँ, उनसे पूछो कि कैसा लग रहा है। हाँ भाई, ओ भाई पहले दो लगा ले, ऐसी दादी क्या बोलना, आप समझाओ इसको,
ऐसी जस्ट ट्राई कर रहा था। मैंने ये अंदर से वेस्ट इसलिए पहनी थी क्योंकि ये शर्ट थोड़ी मोटी और इसका जो स्टफ है ना थोड़ा रफ है, तो ये ना चुभती है, तो मैंने सोचा अंदर से वेस्ट पहन लेते ताकि चुभे ना। तो फिर जब मैंने ना देखा मैं ये लुक ना अच्छी लग रही है, ये देखो ये वाली, क्यों आप भी बताना कमेंट सेक्शन में कैसी लग रही है। शिमला के हिसाब से थोड़ी ऐसी है कि मतलब ठंड लग सकती है, और सही बोला अक्षय भाई ने, गोली खाने की जरूरत आ सकती है क्योंकि भाई जितनी ठंड यहाँ पर है ना उस हिसाब से बीमार होने के पूरे चांसेस है। बट स्टिल जब बट आई रिलेट, मेरे भाई ने पहली बारी मुझे देखा बोले ये क्या पहन के जा रहा है, मजाक मजाक उड़ा रहा था भाई लिटरली मेरा। फिर इसने अक्षय भाई को बुलाया, अक्षय भाई ने भी मतलब मिक्सा रिस्पॉन्स दिया, उनको अच्छा लगा कि नहीं लगा वो पता लगा नहीं। तो आप लोग भी बताना कॉमेंट सेक्शन में कैसी लग रही है लोग। तो चलो अभी फिलहाल के लिए भाई देखो रेडी हो ही चुके हैं, बस थोड़ा बाल बूल बनाते हैं फिर उसके बाद निकलते हैं क्योंकि लेट हो गया हम यार, हमने टाइम दिया हुआ था और 12 बजने वाले हैं भाई, हमने सोचा था 11:30 तक निकल जाएगा बट लेट चल रहे हम। तो चलते हैं अब जल्दी से जल्दी और फिर मिलते हैं अब आपको बाद में। बिच्छू क्या दादी का है, ये क्या बात है दादी, हमारे से पहले दादी निकल जाते हैं। रोको अपनी ट्रेन, रोक दो हर जगह। ऐसा है अगर रेलवे स्टेशन से जल्दी फ्री हो जाओ तो आपको वहाँ पे भी काम है, घूमो 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 वापस में मिलते दादी। दादी का भी सही सीन है भाई, बोलो स्टेशन मेरे कहिए, सही में बहुत स्टेशन है दादी के, हर जगह घूमे रहते दादी पड़ोस में, तभी लोग इनको इतना याद भी करते। तो जी फाइनली टाइम आ गया अब निकलने का, देखते कितना टाइम लगता है, मैंने लोकेशन रिवील नहीं की। तो बेसिकली आज हम जा रहे हैं कुफरी क्योंकि अब जैसे शादी नज़दीक आ गई है तो शादी के छोटे मोटे काम निपटाने भी ज़रूरी है, तो बस उन्हीं कामों में से एक करने आज हम जा रहे हैं। मौसम बड़ा प्यारा हुआ है, अभी तक धूप छिप गई थी मतलब बादल आ गए थे बट अब फिर से धूप लग गई है तो बहुत सही लग रहा है भाई। आज पर भाई साहब यहाँ का ट्रैफिक क्या ही बताया आपको, बट यार अच्छा लग रहा है सच बताऊँ, रिवाइव हो रहा है वापस शिमला, जितनी त्रासदी हुई थी ना मानसून वाले टाइम में, सही बात है ना, अब ना मतलब अच्छा लग रहा है शिमला को वैसी नॉर्मल वे में है ना, अब हम भी निकल पा रहे हैं नहीं तो हम भी कहाँ निकलते थे। ऐसा ना बोले यार मौसम का भरोसा नहीं, बादल देख भी रहे देखो ऊपर बादल भाई घने बादल वही, अब इसने बोलना ही था कि नहीं काले आ गए, बोला अच्छा ऐसा बोलता है मुझे अंडरएस्टिमेट कर रहा है। अब काफी काम हो चुका है, अब जहाँ मतलब जहाँ जहाँ नुकसान हुआ था ना वहाँ अब ठीक कर दिया गया है, तो अच्छा लग रहा है वो सब कुछ देख कर ना, काफी स्पीड स्पीड अप हुआ है यार। हाँ सही बात है यार, यही ऊपर आके ठंड का मतलब जो हवा का हुआ है ना टेम्परेचर वो गिर गया है ना। आज हम लोग कुफरी की तरफ को जा रहे हैं वादियों में, भाई साहब बिल्कुल खुले चले गए लगेगा पता है, नहीं ठंड है नहीं, मेरे पास ऑप्शन बटन लगाने की है गाइस, फिर मैं जैकेट भी लूंगा साथ में क्योंकि मुझे पता था बीमार नहीं होना है भाई, बाकी सब ठीक है। ये भी कर सकते हैं ना कुफरी से थोड़ा बहुत वैसे ही आके हाँ हाँ घूमेंगे भाई साहब, फिर वापसी आ जाएंगे। ऐसे तो हम लोगों ने चूड़धार जाना था, दुखती वो दुख क्या बयां करें आपसे, ना अभी तक ऐसे ही कर रहे कि प्लान कर लेते कि चलते हैं चलते हैं, बट पता नहीं भाई इस सिचुएशन में गाना याद आ गया, दिल के अरे आंसुओं में बह गए। बिखलटी का थोड़ना यार ये सामने, पता नहीं भाई कहाँ का है बट मौसम बड़ा सही हुआ है, बादल बड़े सही लग रहे हैं अभी सामने, व्यू तो है ही कुछ और व्यू तो है ही लाजवाब सामने का भाई। बाकी फिलहाल पहुंच चुके हैं भाई हम, हमने काम करवाने जाना था उस बंदे को, अभी थोड़ा टाइम लगेगा मतलब ऑलमोस्ट आधा घर घंटा, तो हमने सोचा तब तक थोड़ा एक आगे तक का राउंड मार लेते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ फागू के आगे ठियोग तक बेसिकली, क्योंकि यहाँ नीचे से ना व्यू बहुत सेक्सी आता है, बहुत सुंदर लगता है भाई। तो हम सोच रहे हैं क्या बोलते हैं थोड़ा बेसन उठा लेंगे, पकौड़े उठा लेंगे और सेमी बूंदी उठा लेंगे भाई। अभी मैं सच बताऊँ अब यहाँ आगे ना यहाँ मुझे ठंड लग रही है, अब जैसे मैंने बटन ही चढ़ाया ना अब ठंड लगनी शुरू हो गई मुझे, तो बटन चढ़ाई दे तभी चढ़ा देता हूँ बटन, सोच रहा हूँ रुद्राक्ष नहीं है कोई पूरा रुद्राक्ष है।
ठीक ठीक बताओ यार, क्या बात है, अच्छा लगेगा साथ में तो, शूट भी है ये साथ में। हमने भोले बाबा के लिए गाड़ी के ऐसे नहीं, ये थोड़ा एक और फोल्ड नहीं लग सकता इसमें, बोनट ही डाउन है, ऐसे ही आएगा ये। आज ये इसके ऊपर ही रखो अगर ऊपर टिकता है ना। देखो भाई कैश किसी के पास नहीं है तो बड़े नोट है तो अब भाई को हम कर रहे हैं गूगल पे, तो चलो माना तो हमने ले लिया, तो छोटा नोट भी नहीं है बड़ा नोट है, चोर था तो जा नहीं पाए, पर चलो एटलीस्ट यहीं से भोलेनाथ को चमकाया। ठीक है भैया, थैंक यू। क्या बात है, टैगिंग वगैरह हो रही है भाई अपने गाँव की सड़कों में, क्या बात है। तो गाइज हम आ चुके एक इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन में कि क्या ही बताऊं। इस लोकेशन का मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, क्या है इसका नाम या मतलब कहां, जैसे मतलब मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, बट घूमते घूमते सही में हम पहुंच गए भाई एक जगह, और ये जगह देखो भाई, और इस प्यारी सी चीज को देखो भाई, सो ब्यूटीफुल यार, कितना प्यारा सा वाटरफॉल है। देखो एक एक स्टेप करते करते ना नीचे गिर रहे, देखो बताओ यहाँ पर रील भी जो बनेगी ना, अमेजिंग भाई। अब देखो हमारा काम ऐसा था, एक काम हमारा निपट चुका था, एक काम करना बाकी था, उसके लिए बंदे ने बोला था थोड़ा टाइम लग जाएगा सर, थोड़ा टाइम वेट कर लो, मैं आने ही वाला हूँ। तो उसकी वेट में अक्षय भाई बोलते कहीं ऐसे ही घूम लेते हैं आसपास, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, कुछ ना कुछ दिख जाएगा, और फाइनली हमें मिली भाई ये जगह। गर्म इलाके है ना यार, सही में भाई, बहुत ज़्यादा भाई, यहाँ तो नहाया जाता ना, वहाँ जाके पीछे मज़ा आना था वहाँ जाके भाई। थोड़ी देर यहाँ आराम करते जब तक उस बंदे का फोन आता है, जैसे उसका फोन आएगा निकल जाएगा हम वापस की तरफ, थोड़ा मजा लेते हैं भाई यहाँ का, थोड़ी एक दो रील शूट करते हैं, भाई को कुछ चाहिए। आप भी बताना कमेंट सेक्शन में आपको कैसी लगी भाई ये लोकेशन, और कैसा लगा आपको ये वाटरफॉल। कुछ लोग तो जानते होंगे इस जगह को, जानते होंगे बहुत लोग, उन लोगों को पता भी है मैं किसको बोल रहा हूँ। सनसेट तो क्या ही दिखाऊं, सूरज बेचारा छिप ही चुका है कहीं इन बादलों के पीछे, बट बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारी इवनिंग है इस टाइम। और अभी हम फंसे हैं जाम में पिछले 5 मिनट से, अभी जस्ट ये क्या बोलते हैं ठियोग के पास लगाया जाम। हमने सोचा था भाई कि इस टाइम तक हम पहुंच जाएंगे, और हमने कुछ और काम भी करना था, हमने दादी के लिए कुछ ले जाना था, वो मुझे लग नहीं रहा कि आज पॉसिबल हो पाएगा। अभी जाते हैं तो पूछ सकते हैं क्या जो अभी बीच में आते हैं, अगर मौका बना, चलो अगर मौका मिलेगा ना तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे, वरना मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि लेट हम बहुत ज़्यादा हो गए। आज नहीं हो पाया तो आप पक्का कल करेंगे उस चीज़ को। जी फाइनली वी आर एट संजौली। संजौली में इस टाइम भाई इतना रश हो जाता है, इतना ट्रैफिक हो जाता है कि क्या ही बताए, इतने धीरे धीरे करके चल रहे ना हम सब, पिछले मतलब 5 से 10 मिनट में ही फंसे हुए। पर मजा आ गया यार आज, अनएक्सपेक्टेड स्लो चले उतना ज्यादा बेटर है। अनएक्सपेक्टेड डे है, घूम फिर के आगे, सही बात है, पता भी नहीं चला वो वाटरफॉल भी मिल गया। मेरे को काम में ऐसा होता है, अब शादी के काम होते हैं कुछ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो ये नहीं है कि व्लॉग में दिखा सकते, शादी के टाइम ही देखने को मिलेगा वो क्या क्या है क्या नहीं। True that. वरना अभी से रिवील करने के मजा नहीं आएगा यार। देखो टाइम बता दूं, टाइम होने वाले है भाई 7, और अभी हमने डॉक्टर शैलजा को पूछा क्योंकि वो भी इसी टाइम फ्री होते हैं, हो गया तो आपको भी ले चलते, तो वो बोलते हैं हाँ मैं जस्ट अभी फ्री हुई हूँ, आ जाओ पिक करते हुए चलो मुझे, और चलते साथ में घर, आज उनको नीचे ले चले विकास नगर, आज तो नहीं आएंगे वो। अच्छा इतने टाइम से, हाँ कल सेकंड सैटरडे यार, संडे को हेलो डॉक्टर शैलजा, हेलो किलो इसका भी थोड़े केले, बाकी अपना हो गया भाई। तो गाड़ी की अपने को फॉर्चुनेटली पार्किंग मिल गई उस साइड को आगे जाके, वरना भाई पार्किंग आपको बताइए इस टाइम को बहुत मुश्किल हो जाता है। मम्मी ने बोला था कि आते आते सब्जी ले आना, तो बस सब्जी ले रहे, हाँ चाहिए होता है भाई, ब्रेकफास्ट भी कुछ करना होगा। ये तो मम्मी अच्छे है कि यहाँ पे यार, हाँ। पानी की टेंशन नहीं, नहीं तो इतने लेट हो ही नहीं सकते थे, जल्दी आना पड़ता हो। तो गाइस फाइनली अब जा रहे हैं हम ऊपर टेरिस पर, हम डिनर वगैरह सब कुछ करके फारिग हो चुके हैं, अब बस चलते ऊपर की तरफ। आज होने वाली है मूवी नाइट भी क्या, वेब सीरीज नाइट, तो आज देखने वाले हम वेब सीरीज। कोशिश ये करेंगे जितने ज्यादा एपिसोड्स देख सके उतना ज्यादा बेटर है, क्योंकि हमारे पास अब एक दो दिन ही है, फिर हमने और जाना है कहीं और। कि भाई खाने पीने का हमने सामान सारा उठा लिया है, पानी की बॉटल्स हमने उठा ली है, बस अब चलते ऊपर की तरफ। आज मतलब ज्यादा कुछ था नहीं दिखाने को, हम के मैटर में गए थे तो आधा टाइम काम में निकल गया, फिर आना जाना ये सब जितना हो सकता था उतना रिकॉर्ड किया। फिलहाल के लिए अभी चलते हैं, और सोच रहे इसी के साथ इस व्लॉग को भी एंड करते, तो आपको व्लॉग पसंद आए तो उसे जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जाने से पहले बेल घंटी जरूर दबाएं। तो गाइस मिलते हैं आपको एक ऐसे व्लॉग में बहुत जल्द, तब तक लिए बने रहे हमारे साथ।